वेलकम टू स्टडी फ्लिक्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर आई मीन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट तो इससे पहले लेक्चर में हमने समझा था कि व्हाट इज रिसोर्सेज और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को साथ में स्टडी किया था हमने ये भी पढ़ा था कि रिसोर्सेज को प्लान करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इंडिया में क्या स्टेप्स लिए गए हैं रिसोर्सेज को प्लान करने के लिए तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जाकर पहले विजिट कीजिए एंड देन इस वीडियो को देखिए तो लैंड रिसोर्सेज जो कि आज का हमारा टॉपिक है तो ये होता क्या है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लैंड क्या होता है लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है ठीक है इट सपोर्ट्स लाइफ फॉर्म वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ट्रांसपोर्ट एज वेल एज़ कम्युनिकेशन ओके तो इंडिया में बहुत तरीके के लैंड पाए जाते हैं ठीक है लैंड के डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं तो so, इंडिया में तीन तरीके के मेनली तीन तरीके के लैंड फॉर्म पाए जाते हैं सबसे पहला तो आपका है माउंटेन्स दूसरा प्लेच्यू और देन तीसरा प्लेन ठीक है तो मैंने यहाँ पर पाई चार्ट से इजिली आपको बताया हुआ है कि जो ऑरेंज में है यानी कि थर्टी परसेंट जो है वो आपका है माउंटेन उसके बाद ये जो 27 परसेंट जो कि ग्रीन से मैंने मार्क किया है पाई चार्ट में वो आपका प्लेच्यू रीजन है और जो ब्लू से 43 परसेंट मार्क है वो आपका प्लेन रीजन है जो कि इंडिया में आ, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है अब बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की ठीक है तो लैंड को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं क्या किस किस पर्पज के लिए यूज़ करते हैं तो उसके आ, हमारे मेनली फाइव टू तो सिक्स पर्पजेज होते हैं लैंड को यूज करने की तो सबसे पहले पर्पज जो होता है वो होता है फॉरेस्ट का लैंड सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में यूज यूज की जाती है ठीक है एक लार्ज एरिया आपका फॉरेस्ट एरिया होता है लैंड में दूसरा होता है आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन दूसरा जो टाइप का लैंड होता है वो आपका होता है ऐसे लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए नहीं रखी गई है ठीक है उसमें भी दो टाइप होते हैं एक होता है बैरन एंड वेस्ट लैंड दूसरा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस तो वो लैंड जिनको हम कल्टीवेट नहीं कर रहे उनमें हो सकता है कि वो लैंड बैरन हो ठीक है ख़राब लैंड हो जिस पर हम कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते या तो फिर हमने उसे किसी और यूजेस के लिए रख दिया है नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए लाइक हमने उस पर रोड बना लिए हमने उन पर घर बना लिया है ठीक है तीसरा आपका आता है तीसरा जो टाइप है वो है आपका अदर अनकल्टिवेट लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड तो इसका मतलब क्या है इसमें तीन पार्ट होते हैं सबसे पहले तो एक होता है परमानेंट पैस्चर्स दूसरा होता है ग्रेजिंग लैंड तीस और होता है लैंड अंडर ट्री कॉप्स और कल्चरल वेस्ट लैंड तो सबसे पहला परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड वो लैंड होते हैं जिन पे सबसे पहले तो हम कल्टिवेशन कर ही नहीं कर ही नहीं रहे यानी कि वो अनकल्टिवेटेड लैंड है दूसरा कि उन लैंड को अगर हम कल्टिवेशन नहीं कर रहे उन पर तो हम उसे ग्रेज कर रहे हैं ठीक है और तो और दूसरा होता है आपका लैंड अंडर ट्री क्रॉप क्रॉप्स यानी कि हमने या तो फिर उनमें ट्री उगा लिए ठीक है हमने शेल्टर बेल्ट बना लिए या कोई और तरीके से हमने ट्रीज उगा लिए तीसरा आता है आपका कल्चरल कल्चरेबल वेस्ट लैंड यानि कि ऐसे लैंड्स जिनको हमने कल्टीवेट नहीं किया है मोर देन फाइव ईयर्स वो होते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड अब जो आपका फोर्थ टाइप ऑफ लैंड है वो है फेलो लैंड ठीक है लैंड के टू टाइप्स होते हैं करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो तो करंट फैलो वो लैंड होते हैं जिनको हमने एक या एक से कम साल के लिए हमने उस पर कल्टिवेशन नहीं की है दूसरे जो टाइप की लैंड होती है वो होती है ऐसी लैंड जिसको हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है वन टू तो फाइव ईयर्स के बीच में ठीक है तो ये दो टाइप के होते हैं फेलो लैंड अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वन मार्क में आपका लैंड में आपका आता है कि फेलो लैंड कितने टाइप्स के होते हैं या आप फेलो लैंड को डिफाइन कीजिए ठीक है अब बात आती है नेट सोन एरिया अब जितना भी ज़्यादा जो लैंड बच गया है वो हमारा नेट सोन एरिया होता है नेट सोन एरिया का मतलब क्या है इसका मतलब एरिया इसका मतलब होता है कि जो एरिया एक साल में एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज़ किया गया ठीक है उसको हम कहते हैं नेट सोन एरिया जिसको हम ऑल्सो नॉन एज ग्रास क्रॉप्ड एरिया तो इंडिया में इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंडिया में मैंने जैसे कि बताया यहाँ पर दो चार्ट से अगर मैं नाइनटीन सिक्सटी टू सिक्सटी वन के बारे में बात करूँ और टू थाउजेंड फोर्टीन टू फिफ्टीन के बारे में बात करूँ तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो आपका चेंज हुआ है ठीक है कैसा चेंज हुआ है जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है वो आपका इंक्रीज़ हुआ है ठीक है अगर मैं बात करूँ आपके 45.5 परसेंट एंड डेट इज नेट सोन एरिया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है टू फ्रॉम 45.26 फाइव पॉइंट टू परसेंट टू फोर्टी परसेंट तो ये तो था आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्योंकि आपका वैसे जामिया में तो नहीं पूछा जाता लेकिन सी बोर्ड में पूछा जाता है ठीक है थेके? अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की क्योंकि हम हर रिसोर्सेज में ये समझेंगे कि कैसे कैसे हम हर रिसोर्स को डिग्रेड कर रहे हैं और कैसे हम क्या मेथड्स यूज़ करके उसको कंजर्व कर सकते हैं तो लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है पहले ये समझते हैं ठीक है थेके? तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग लैंड को कर रहे हैं फ्राम अ लॉन्ग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसको यूज़ करे जा रहे हैं विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स ठीक है इसकी वजह से क्या हो रहा है आ, इसके वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड करना स्टार्ट हो रहा है अच्छा इसकी इंडिया में क्या क्या रीजन्स हैं इसमें इंडिया के तीन मेजर रीजनस हैं सबसे पहले हम स्टेट वाइज बात स्टेट वाइज बात करेंगे सबसे पहला तो कि स्टेट्स लाइक झारखंड उड़ीसा एम पी एन छत्तीसगढ़ ये जो रीजन है आपका नॉ सॉरी ईस्ट साउथ का साउथ ईस्ट रीजन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वहाँ पर आपका माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन वहाँ पर इंक्रीज होते जा रहा है दूसरा रीज़न क्या है जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान एमपी और गुजरात महाराष्ट्र यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ़ द कंट्री तो वहाँ पर ओवरग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहाँ पर कैटल को बहुत ज़्यादा पाया जाता है ठीक है तीसरा होता है आपका स्टेट्स लाइक हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश तो हमें पता है हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है और वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए वो हाईली मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन को यूज़ किया जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है उत्तरा हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश में लैंड डिग्रेड का तो क्या हम मेजर्स ले सकते हैं लैंड को कंजर्व करने के लिए तो सबसे पहला मेजर जो हम ले सकते हैं वो है एफॉरेस्टेशन का कि हम एफॉरिस्टेशन करें यानी कि ज्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाएं ट्रीज अगर हम ज़्यादा उगाएंगे तो जो सॉइल है जो लैंड है वो डिग्रेड करने से बचेगा ठीक है दूसरा ये हम कर सकते हैं कि ओवर ग्रेजिंग ना करें ग्रेजिंग को हम लिमिट कर दें ठीक है लिमिटेड ग्रेजिंग करें और तो और हम शेल्टर बेल्ट्स क्रिएट करें शेल्टर बेल्ट्स हम उन रीजनस पे क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड चलती है तीसरा स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस इन स्टेट्स लाइक राजस्थान गुजरात जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके मरुस्थल पाए जाते हैं आपके डिज़र्ट एरिया है वहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि बुशेस को थॉर्नी बुशेस को जो कि वहाँ पर उगाई जाती है उन्हें उगा उन सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं तो ये हमारे तीन कंजर्वेशन मेजर्स है जिससे हम लैंड को डिग्रेड करने से बचा सकते हैं कंजर्व कर सकते हैं अब हम बात करते हैं सॉइल के बारे में ठीक है तो सॉइल भी ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट है कि क्या होता है तो सॉइल हमें पता है क्या होता है इट इज द मोस्ट इट इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो अपर लेयर होती है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल जिसमें ह्यूमस होता है उसे हम कहते हैं सॉइल एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग फॉर्म and for us, and soil takes millions of years to form just a few centimeter in depth, तो इसलिए ye बहुत ज़्यादा important resource है हमारे life form के लिए ठीक है अब इसको soil को हमने divide किया है हमने सिक्स टाइप के सॉइल में डिवाइड किया है सबसे पहला आपका एलिवियल सॉइल देन सेकेंड आपका ब्लैक सॉइल थर्ड फॉरेस्ट सॉइल देन laterite, रेड एंड येलो एंड एरिड सॉइल सबसे पहले पढ़ते हैं एल्यूवियल सॉइल क्या होते हैं तो एल्यूवियल सॉयल आपका नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में तो नॉर्दर्न प्लेन एरिया जितना भी है आपका उसमें जितनी भी सॉइल आपके एक्सटेंडेड है उसको हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल और ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा क्लेई होती है सिल्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है सैंड बहुत ज़्यादा होता है ठीक है औरतौ तो और ये डेल्टाज रिज, रिजन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है जैसे कि हम बात करें कावेरी रिवर की डेल्टा की कृष्णा गोदावरी तो ये डेल्टा रीजन में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है अब इसके दो टाइप्स होते हैं भांगर एंड खादर भांगर और खादर इसके दो टाइप्स होते हैं भांगर मीन्स ओल्ड एल सॉइल खादर मीन्स न्यू एलिवियल सॉइल ओल्ड एलिवियल सॉइल डैट कंटेन्स हाई कॉन्सट्रेशन ऑफ कंकर कंकर वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपके स्टोन के उनको हम कंकर कहते हैं ठीक है ठेके? लेकिन खादर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि ये न्यू एलिवियल सॉइल होती है और खादर उन रीजन में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर हर साल हर साल आपका ऑलमोस्ट फ्लड आता है ठीक है जैसे कि आपके हो गए उत्तर प्रदेश का एरिया बिहार का एरिया जहाँ पे हर साल फ्लड आता है जिससे कि नई सॉइल आती है जिसको हम कहते हैं खादर एलिवियल सॉइल में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करता है पैडी वीट और पल्सेस के लिए और तो और शुगर केन को शुगर केन की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्यों क्योंकि इसमें एडिक्यूट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश और फॉस्फरिक एसिड एज वेल एज लाइम बहुत आइडल अमाउंट में पाया जाता है अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल की नेम से समझ सकते हैं कि ब्लैक सॉइल का जो कलर होने वाला है वो थोड़ा ब्लैक होने वाला है ठीक है तो ये पाई जाती है आपकी डकन ट्रैप रीजन में ठीक है नॉर्थ वेस्ट मालवा में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र में एंड आपकी जो गोदावरी कृष्णा वैलीज है उसमें आपकी ब्लैक सॉइल ज्यादा पाई जाती है इसको हम कॉटन ग्रोइंग सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें ना कॉटन बहुत अच्छी तरीके से उगता है ठीक है अ क्लाइमेटिक कंडीशन एलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल अब ये बनती किससे ये फ़ाइन क्ले मटेरियल से बनी हुई होती है ठीक है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉइल होती है क्योंकि इसमें मॉइस्चर जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर वेल ओके लेकिन इसमें एक आपका नुकसान होता है कि इसमें फॉस्फरिक जो कंटेंट्स होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है ठीक है अगर हम बात करें एलिवल सॉइल की तो उसमें इस फॉस्फरिक कंटेंट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसलिए वो ज़्यादा फर्टाइल और ज़्यादा अच्छी सॉइल होती है इसमें थोड़ा कम मात्रा में आपका फॉस्फरिक कंटेंट होता है ये थोड़ी सी स्टिकी भी होती है क्यों क्योंकि इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पर ही पाई जाती है वो थोड़ा ह्यूमिड सा होता है इसी वजह से ये स्टिकी होती है अब बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की तो रेड एंड येलो सॉइल दिखने में रेड और येलो कलर की ही होती है ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से बनी हुई होती है और ये आपके सदन पार्ट्स ऑफ डिक्लै में पाई जाती है लेकिन अगर हम बात करें येलो सॉइल की क्यों वो येलो क्यों दिखती है तो दिस तो इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रेटेड फॉर्म येलो एंड रेड सॉयल आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा छत्तीसगढ़ सदरन एंड मिडल पार्ट ऑफ गंगा प्लीन्स एंड अलॉन्ग विद द पिडमेंट ऑफ द वेस्टर्न घाटी यहाँ यहाँ पर पाई जाती है एंड दी सॉइल्स डेवलपर रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टेलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्योंकि हमें पता है कि जो सॉइल है वो क्रिस्टलाइन एंड मेटामोफिक रॉक से बनी हुई होती है तो अगर उसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो हमें रेडिश दिखेगी और अगर हम उसे हाइड्रेटेड फॉर्म में लेंगे तो वो हमारे हमारे येलो सॉइल दिखेगी ठीक है तो ये होता है इसका रीज़न कि क्यों ये येल्लो एंड रेड दिखती है अब बात करते हैं अपने फोर्थ टाइप के यानी कि लेटराइट सॉइल की तो लेटराइट सॉइल -right आपका जो वर्ड है लेटराइट -right, वो आपके एक लैटिन वर्ड लेटर दैट मीन्स ब्रिक इससे लिया गया है इससे ड्राइव किया गया है तो ये आपके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप्ड होती है इसका पी एच रेंज मोर देन सिक्स होता है दैट मीन्स ये थोड़ी सी बेसिक होती है ये एसिडिक नहीं होती बेसिक होती है यानी कि फॉस्फेरिक कंटेंट इसमें थोड़ा कम होता है ठीक है एंड इट इज जनरली डिफिशेंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा कम होता है क्योंकि मैंने बात कह दी कि आपका बहुत ज़्यादा पीएच रेंज होता है बेसिक टाइप में तो यानी कि आपका इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा कम होता है अब ये पाई कहाँ जाती है ये पाई जाती है महाराष्ट्र उड़ीसा वेस्ट बंगाल वेस्टर्न घाट रीजन ठीक है यहाँ यहाँ पर पाई जाती है और तो और यहाँ ये यह, केरला तमिलनाडु में भी पाई जाती है और इसमें कॉफी और टी को बहुत ही अच्छे तरीके से उगाया जाता है अब एक डू यू नो वाला एक क्वेश्चन है और एक पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेड रिट्राइट सॉइल जो होती है जो कि तमिलनाडु में केरला में आंध्र प्रदेश में पाई जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल होती है कैश्यू नट को उगाने के लिए क्योंकि हमें पता है केरला गोवा तमिलनाडु का जो रीजन है वहाँ पर जो कैश्यूज उगाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं अच्छी क्वालिटी के होते हैं फेमस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्योंकि वहाँ पर रेड 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 सॉइल एक मेजर रोल प्ले करती है उनकी कल्टिवेशन के लिए अब बात करते हैं एरिड सॉइल एरिड का मतलब क्या होता है एरिड एक ऐसा रीजन होता है जो जहाँ पर सूखा होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है ठीक है तो एरिड सॉइल्स उन्हीं एरियाज़ में पाए जाते हैं यानी कि एरिड एरियाज़ में पाए जाते हैं एंड दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर जैसे सैंडी होते सलाइन होते ठीक है और इनका जो कलर होता है वो रेड टू ब्राउन ब्राउन होता है एंड इट हैज़ लेस मॉइस्चर कंटेंट क्योंकि ये एरिड एरियाज में पाई जा रही है बट यस yes, हमने देखा है कि राजस्थान एंड गुजरात में प्रॉपर मेथड्स ऑफ इरिगेशन को यूज़ करने के बाद इन सॉइल्स पर भी अब कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुकी है अब बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की फॉरेस्ट सॉइल यानी कि जो सॉइल आपके फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती है जो कि आपकी हिली माउंटेन एरियाज में पाई जाती है ठीक है अब ये जो सॉइल होती है वो क्रे, कोर्स ग्रीन होती है अपर स्लोप्स पे ठीक है और इसका जो टेक्सचर होता है वो विधि करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन अब बात करते हैं फिर से सॉइल की प्रॉब्लम के बारे में यानी कि सॉइल इरोजन और कैसे हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं यानी कि कैसे हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं तो क्या क्या रीजंस है क्या क्या रीजंस है सॉइल इरोशन के और क्या होता है सॉइल इन का मतलब ये समझ देते हैं तो सॉइल इन का मतलब होता है द दिन ऑफ़ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब सॉइल इरोजन यानी कि अगर आपकी जो अपर लेयर है जिसको हम सॉइल कहते हैं अगर वो वॉश्ड अवे हो जाए पानी से विंड से अगर वो हट जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो सॉइल इरोड हो चुका है ठीक है अब इसके क्या क्या रीजनस हैं तो रीज़न ये है कि वेन क्ले सॉइल्स गेट कट ड्यू टू द रनिंग वाटर क्या होता है आपका वाटर जा रहा है ठीक है वाटर फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कई बार सॉइल्स कट हो जाती है तो इस वजह से कुछ चैनल्स भी फॉर्म होते हैं और वो जो लैंड हो जाता है बिकम्स अनफिट फॉर द कल्टिवेशन और उसी को हम बैड लैंड भी कहते हैं ठीक है और अगर हम चंबल बेसेंस के बारे में बात करें तो इन बैड लैंड्स को हम रिविंस कहते हैं तो ये तो था आपका सॉइल इरोजन अच्छा सॉइल इरोजन में एक टर्म आता है शीट इरोजन तो शीट इरोजन का मतलब क्या है कि आपकी टॉप सॉयल जो है अलोंग विद द जेंटल स्लोप्स अगर वो रेन वाटर की वजह से या किसी और रीजन से वो इरोड हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि वो शीट इरोजन हो रहा है अब क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने के करने के लिए तो चार इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो कि मैंने यहाँ पर लिखे सबसे पहला हम कॉन्ट्रो कर सकते हैं दूसरा टेरेक्ट फार्मिंग तीसरा स्ट्रिप क्रॉपिंग और चौथा शेल्टर बेल्ट कॉन्ट्रोप्रॉप क्या होता है कॉन्ट्रो होता है आपका हमने ऐसा इस, इस तरीके से प्लोइंग की कि आ, जो अलोंग द काउंटर लाइन्स के डीएक्सलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन दी स्लोप्स यानी कि हमने कॉन्ट्रोप्लोइ प्लोइंग की जिससे कि जो वाटर है वो डीसलेट हो जाए ठीक है दूसरा होता है टेरेक फार्मिंग टेरेक फार्मिंग आपकी हिली एरियाज़ में होती है ताकि वहाँ पर स्टेप्स बना दी जाते हैं जैसे सीढ़ियाँ होती है उस तरीके की सीढ़ी नुमा खींचती समझ लीजिए समझ लीजिए आप हिंदी में जैसे सीढ़ी नुमा ही कहते हैं तो इसमें आपको स्टेप्स बना दी जाते हैं और उस पर खेती की जाती है तो इससे हमारा जो सॉइल है वो इरोट होने से बचता है और हम सॉइल को कंजर्व करते हैं तीसरा है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं एक लार्ज फील्ड लेते हैं और उसको बांट देते हैं स्ट्रिप्स में ठीक है और उनके बीच में हम घास को उगा देते हैं ठीक है तो जो स्ट्रिप्स होते हैं उनमें तो हम अपनी क्रॉप्स को उगाते हैं और उनके बीच में जो एरिया होता है उसमें हम घास को उगा देते हैं ताकि जो सॉइल है वो इरोड ना हो वो कंजर्व हो ठीक है इससे क्या होता है जब विंड आती है तो उनका जो फोर्स होता है उससे भी सॉइल बचता है ठीक है और तो और वाटर के कारण जो आपका इरोशन होता है सॉइल का उससे भी ये बचती है अब आपके आती है लास्ट जो कि होती है शेल्टर बेल्ट तो so, शेल्टर बेल्ट आपकी उन एरियाज में की जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड चलती है बहुत हाई अमाउंट में ठीक है तो इनमें क्या होता है हम एक बेल्ट क्रिएट करते हैं यानी कि हम लाइन में कतार में बड़े बड़े ट्रीज को उगाते हैं ठीक है इससे क्या होता है इससे ये होता है कि जितने भी सैंड ड्यून्स होते हैं वो तो स्टेबलाइज होते ही होते हैं और तो और हमारा सॉइल भी कंजर्व होता है तो ये तो थे आपके सारे मेथड्स किस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं और क्या क्या रीज़न थे सॉइल इरोशन के लैंड डिग्रेडेशन के कैसे हम लैंड को कंजर्व uh, कर सकते हैं एंड आई होप यू विल लाइक माय वीडियो एंड इफ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में